मैं इस वक्त रामगोपाल मिश्रा के घर पर मौजूद हूं। कल जब दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम था, महाराजगंज से शोभा यात्रा गुजर रही थी, तब बेरहमी से रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। लगभग एक दर्जन से अधिक गोलियां शरीर के अंदर मारी गई हैं। पोस्टमार्टम हो चुका है और शव इस गांव में आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कि ये रामगोपाल मिश्रा का ये मकान है। लगभग 20 या 22 वर्ष की उम्र बताई जा रही है और 2 महीने पहले शादी हुई थी रामगोपाल मिश्रा की। 2 महीने पहले शादी हुई थी और आप देखिए, मैं घर में ये एंट्री कर रहा हूं। अब आप देखिए, यहां पर परिजन भी बैठे हैं। यहां पे एक छोटा सा मकान है, ये देखिए अगल बगल के लोग आए हैं, रिश्तेदार भी यहां पे आए हैं, यह परिवार है। 2 महीने पहले ही यहां पर शादी का कार्यक्रम था। शादी होने के बाद ये इस तरह का ये पहला जो पर्व था वो आया था। ये दशहरा का पर्व था जो मातम में बदल चुका है। देखिए यहाँ पर अगल बगल के लोग भी हैं। यहाँ पर क्या कहेंगी माता जी, जो घटना हुई है, क्या घटना हुई है, क्या कहेंगे इस पे? गलत हुआ है? नहीं, गलत हुआ है। क्या कहेंगे? बहुत गलत हुआ है। और परिवार से कौन कौन? जी जी, मैं बात करता हूँ। क्या कहेंगी माता जी? क्या कहेंगे माता जी, बेटा नहीं रहा। बहुत मारी थे उनको, बहुत तमाम अजूरा मारी है, बहुत गोली मार दिए, बहुत गोली मारी है, बहुत परेशान, या नकटी तक गला काट दी है, बहुत परेशान। 2 महीने पहले ही शादी? हाँ भाई, 2 महीने पहले शादी हुई है। बहुत उनकी वाइफ बैठी है, बहुत मारी थी। अब साहब तमाम अजूली बहुत, मैं देख रहा हूँ, क्या कहेंगे? खून ले अब हम कुछ ना हम चाहते। हाँ, खून बदले खून। क्या खून थे? बदला लेन चाहिए हम, खून के बदले खून, कुर्बानी के बदले कुर्बानी। चंद्रशेखर आजाद की तरह बेटा हमारा लड़ते हुए चला गया, चंद्रशेखर आजाद की तरह तिरंगे में लपेटा जाए उसको, तब शांति मिलेगी। देख सकते हैं, 2 महीने पहले जिस घर में उत्सव का माहौल था, आज उस घर में मातम फैल गया है। पहला ये दशहरा, ये दशमी का त्योहार था, दुर्गा विसर्जन का मौका था, जब रामगोपाल मिश्रा को बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनकी ये पत्नी जो आवाक बैठी हैं, बोल भी शायद ना पाए। लेकिन मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगा, ये जो घटना हुई, क्या इसमें किसको दोषी मानती है? बोलो, मिश्रा के न्याय मांगो। स्थिति वाकई में बहुत ही दुखद है। मैं कोई भी प्रेशर नहीं करना चाहता बोलने के लिए। क्या आप बहन हैं? आप बहन हैं? हाँ। क्या कहेंगे, कौन है दोषी इस पूरे घटना के पीछे? कुछ मुसलमान लोगों ने हमारे भाई को जान से मार दिया गोलियों से। पुलिस प्रशासन क्या कर रही? पुलिस प्रशासन लाठी चार्ज करी थी जनता पर, जनता पर ही, हिंदुओं पर ही, हिंदुओं पर लाठी चार्ज करी थी पुलिस प्रशासन। मुख्यमंत्री से क्या चाहती हैं आप? मुख्यमंत्री से न्याय चाहते हैं हम। जिन लोगों ने हमारे भाई को मारा है उनको भी मार दिया जाए, उनको भी मारा जाए। हाँ, मारा जाए। क्या कहेंगी भाभी जी? हमें भी न्याय चाहिए, हमें भी न्याय चाहिए। क्या चाहती हैं? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। क्या कहेंगी माता जी? हम लोग यही चाहती हैं भैया कि हमको न्याय चाहिए, खून के बदला खून। चंद्रशेखर आजाद की तरह बेटा लड़ता हुआ गया है, उसको तिरंगे में लहराया जाए, हमको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। क्या कहेंगी माता जी? अब यहाँ न्याय भैया चाहिए। उसका जैसे लड़का चला गवा तो अब वही जैसे मुसलमान हो के मार दहीन है, तो अब हम सब कहा जाते हम हूँ ऐसे जैसा जैसा माल लहा से निकली तैसे उन्हों के निकले। देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या माहौल है। 2 महीने पहले यहाँ पर उत्सव का कार्यक्रम हुआ था, बेटे की शादी हुई थी, लेकिन ये पहला त्यौहार था, विजयदशमी का मौका था, दुर्गा पूजा विसर्जन का कार्यक्रम था, जब रामगोपाल मिश्रा को बुरी तरह से गोलियों से भून दिया गया, मार दिया गया। उसके बाद परिवार का कहना है कि जो उसके साथ हुआ है वही उन लोगों के साथ होना चाहिए। मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई जा रही है कि मौत का बदला मौत से ही लिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, बहराइच।